जी, डाइटरी काउंसलिंग में फूड चॉइसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, और इसमें हम एम्फिसाइज कर रहे हैं कि वी शुड आल्सो लुक टुवर्ड्स द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एंड कल्चरल इश्यूज, लर्निंग स्टाइल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी एक बंदा इतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं है कि वो एनिमल फूड्स को परचेज कर सके फॉर द क्वालिटी प्रोटीन, तो फिर हमें उसके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की तरफ भी फोकस करना चाहिए। उसके लिए लो कास्ट सॉल्यूशन जो है ना, वो भी सजेस्ट करना हमारी टास्क के अंदर शामिल है। अदर फैक्टर्स दैट मे बी असेस्ड ड्यूरिंग डाइटरी काउंसलिंग इंक्लूड मेडिकल हिस्ट्री, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ एनी न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस एंड बायोकेमिकल एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। Dietary assessment means dietary analysis, psycho social evaluation including food related attitudes and behaviors, sociological evaluation including cultural practices, housing, cooking facilities, financial resources and support of families and friends. What is the existing nutrition knowledge? How much is readiness to learn or for the change, and what is the learning style, current exercise and activity level. So all these factors should be kept in mind while designing or planning meal for an individual or while going for the counseling of an individual. इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक साइज जो है वो सब पे फिट नहीं होगा, हर बंदा जो है ना इन स्टेप्स के हिसाब से देखें तो उसमें आपको वेरिएशन नजर आएगी। सो इंडिविजुअलाइज्ड जो प्लान्स होंगे वो बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। अ डाइटरी असेसमेंट इज ऑफन कंडक्टेड टू डिटरमिन द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द फूड टू असिस्ट इन प्रोवाइडिंग डाइटरी काउंसलिंग। द वैलिडेशन ऑफ डाइटरी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने असेसमेंट करनी है उसका वैलिडेट होना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर वेंग स्केल की बात ही ले लें कि वो इंडिविजुअल जो है ना वो कहता है मेरा वेट 80 है, मैंने कल मेजर किया था, और आपका स्केल कहता नहीं भाई उसका वेट जब 85 है, या वो लोअर साइड पर रिफ्लेक्ट करता है 75 है, तो इसके हिसाब से ये चीजें मिसलीडिंग की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, उसके अंदर वेरिएशन, और स्पेशली जब डाइटरी कंपोनेंट्स का न्यूट्रिशनल एनालिसिस आप कर रहे हैं उसमें अगर आप मिसकंसेप्शन की तरफ चले जाते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम नॉर्मल पल्सेस की बात करें, चिकपी की बात कर लेते हैं, तो ये 22-23 ग्राम्स आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है पर 100 ग्राम। लेकिन यही चने रोस्टेड फार्म में खाएंगे तो इतनी प्रोटीन, और अगर इसको बॉइल करके खाएंगे तो उसमें तकरीबन 50-60% के करीब उसका मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है। और जब उसके अंदर इतनी ज्यादा मॉइस्चर आ जाएगी तो फिर वो चीजें डिल्यूशन की तरफ चली जाएंगी। इसी तरह फुल फैट मिल्क है, स्किम मिल्क है, ठीक है, टी वाइटनर्स हैं, तो आप जब तक किसी फूड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक जाना वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आपकी तरफ से जो ह्यूमन एरर्स हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ से जो एरर्स हैं ये टोटल हो जाएंगी, पुल अप हो जाएंगी, और इंडिविजुअल्स की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करेंगी। और अगर वो किसी क्रॉनिक डिजीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू एवेल्युएट द डाइट इन टर्म्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज फैक्टर्स सच एज हाई फैट डाइट, अ डाइट लो इन एंटीऑक्सीडेंट्स, आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Some of the most common dietary assessment tools which are used for the assessment or which help in the help in providing dietary counseling include food records, dietary recalls, food frequency questionnaires, diet histories and several other methods including biochemical indices. तो डिस्क्रिप्शन भाई इसकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है,
और अब हम इसकी प्रेपरेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जब कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, अ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में बी मेड बाय यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम क्लिनिकल एवेल्युएशन, बायोकेमिकल टेस्ट एंड डाइट्री इंफॉर्मेशन। जैसे भाई एबीसी का वर्ड हम यूज करते हैं ना, एबीसीडी, जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट जब किसी के हम करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना होगा। क्लिनिकल एवेल्युएशन इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ वेरियस एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स सच एज हाइट, वेट एंड पर्सन बॉडी फैट, व्हिच इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्किन फोल्ड टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, और वी कैन आल्सो यूज द बॉडी एनालाइजर्स which work on the principle of electric impedance. In addition, a clinical evaluation may also include observations for the signs of nutrient deficiencies in mouth, skin, eyes and nails. Yeah, the visible jo body parts hain wahan pe koi abnormal cheez jo hai, koi sign and symptom jo hai usko bhi dekha jata hai. No doubt ek साइन एंड सिम्टम जो है वो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को सेम टाइम पे भी शो कर रहा होता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो कंपिटेंट होगा तो वो उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लिनिकल एवेल्यूशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ऑब्टेंड फ्रॉम द डाइट्री असेसमेंट एंड बायोकेमिकल टेस्ट टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द पेशेंट्स करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस and relative risk factors for diet-related illnesses. तो summary के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो nutshell ये है कि किसी एक चीज की evaluation करके, किसी single parameter की evaluation के बेस पे, just like anthropometric measurement करके ही conclusion draw नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो complete assessment है, उसके अंदर clinical evaluation, biochemical test और dietary information, ये सब चीजें जब आपके पास होंगी, then you will get the comprehensive picture of patient's current nutritional status. और जब current nutritional status का आपको पता चल जाए, और अगर उसको कोई disease वगैरह भी है, तो फिर आपने prediction भी करनी है कि अगर इसी form में ये चलता रहेगा तो prognosis क्या होगी, future में क्या outcomes होंगे, और अगर हम यहाँ पे interventions कोई introduce करते हैं उनके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो हम कैसे डिजीज को फर्दर डिटेरियोरेट होने से रोक सकते हैं। इसके बाद आफ्टर केयर की बात की जाती है कि जब आपने एक बार डाइटरी काउंसलिंग कर ली है, उसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, तो फिर उसको फॉलो अप भी करना होता है कि क्या इंडिविजुअल उसके ऊपर अमल भी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अमल नहीं करेगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। सो डाइटरी काउंसलिंग इज ओनली इफेक्टिव इफ इंडिविजुअल इज विलिंग टू इंप्लीमेंट द नेसेसरी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एंड इफ पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग और इज नॉट फॉलोइंग द रिकमेंडेड डाइटरी गाइडेंस, दे विल नॉट रिसीव अ बेनिफिट फ्रॉम द काउंसलिंग। टिपिकली मॉडेस्ट इफेक्ट्स सीन इन वेट लॉस आर reduction in serum lipids are often due to failure to comply fully with the dietary recommendations provided. So, ये medicine की तरह तो इसका impact है नहीं है, slow impact होगा इसका, और ये ज्यादा depend कर रहा होगा कि individual जो है वो बातों पर कितना अमल कर रहा है। अगर वो modification dietary जो उसको suggest की गई है उसको follow ही नहीं करता, तो ultimately उसका impact जो है वो कम नजर आता है। डाइटरी काउंसलिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस हैं भी। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द क्वांटिफिकेशन ऑफ फूड इनटेक यूजिंग डाइटरी असेसमेंट टूल्स एंड सेल्फ रिपोर्टेड मेजर्स। फॉर एग्जांपल व्हेन द पेशेंट सब्जेक्टिवली रिपोर्ट देयर ओन फूड इनटेक, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस या वर्सन होने के चांसेस कहाँ पे हैं? एक तो जब आप डाइटरी असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं वहां पे मसले मसाइल हो सकते हैं, और दूसरा इंडिविजुअल से जब आप सेल्फ रिपोर्टेड वैल्यूज लेते हैं
इवन वेट ही अगर आप उसका गलत जो है वो आपको वो रिपोर्ट कर देता है, एज आपको गलत रिपोर्ट कर देता है, तो उसके हिसाब से आपका जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज डिफर कर जाएंगी. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज मेथड्स रिलाई ऑन पेशेंट्स एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉर्ड फूड इनटेक एक्यूरेटली. तो ये सारी चीजें पेशेंट के हवाले से लिंक की जा रही हैं. अगर वो अपनी रिकॉल उसकी मेमोरी ऐसी नहीं है, वहां पे वो गड़बड़ कर जाता है, या आपने उसको कहा जी फूड इनटेक को रिकॉर्ड किया करो, वहां पे वो उसकी स्किल्स नहीं है कि उनको वो प्रॉपरली जो है वो डॉक्यूमेंट कर सके, तो ये सारी चीजें पुल अप होके उसकी जो इश्यूज है उनको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. सो द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डाइटरी असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू मीट द गोल्स ऑफ डाइटरी काउंसलिंग. डाइटरी काउंसलिंग जब आप करना चाह रहे हैं तो फिर उसके गोल्स क्या हो सकते हैं, और ये बार दफा इंडिपेंडेंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है. गोल्स ऑफ डाइटरी काउंसलिंग फॉर प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस. स्टडी ऑब्जेक्टिव्स में मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था. इट कैन बी आस्क्ड एज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन. तो मकसद प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन है या ट्रीटमेंट है, उसमें हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैलोरीज फॉर अटेनिंग अ रीजनेबल वेट फॉर एडल्ट्स. पहला मकसद ये होता है कि उसकी कैलोरीज को देखें कि ये एडिक्वेट है. अगर एक्सेस में होंगी तो फिर उनको लोअर करना होगा, अगर लोअर हैं तो उनको एक्सेस करना होगा. तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो सफिशेंट है, वो रीजनेबल वेट अचीव करने के लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. तो हमें फिजियोलॉजिकल डिमांड्स को देखना होगा. बच्चों को एडोलेसेंट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसके साथ साथ हमें मेटाबॉलिक नीड्स को भी देखना होगा जो स्पेशली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बढ़ जाती हैं, या जब कोई डिजीज वाली फेज में होता है या फिर रिकवरी वाली फेज में होता है, उस वक्त मेटाबॉलिक नीड्स भी फर्दर बढ़ जाती हैं. रीजनेबल वेट फॉर एडल्ट्स इज डिफाइंड बाय कंसीडरिंग वेट हिस्ट्री एंड इज अ वेट दैट बोथ द इंडिविजुअल एंड हेल्थ प्रोफेशनल डिटरमाइन इज अटेनेबल एंड कैन बी मेंटेन्ड लॉन्ग टर्म. तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली है कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि रीजनेबल बॉडी वेट क्या होगा, ये दोनों जो है ना वो बेसिकली एक कंसेंसस के थ्रू इसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कि जिसको अचीव भी किया जा सके और उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन भी किया जा सके. कैलोरीज के बाद सेकंड चीज जो है हमें लिपिड लेवल को देखना होगा, ठीक है, सीरम बायोकेमिकल प्रोफाइल को फोकस करना होगा. और इस सिलसिले में भी नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो यूएसए के अंदर वर्क करता है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है, और इनकी लैब वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं. तो इन चारों पैरामीटर्स को असेस करके हमें नॉर्मल जो लेवल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी होगी. अगर कोई एक्सेसिव साइड पे है तो फिर आपने उसको लोअर साइड पे लेके आना है, और अगर कोई वैल्यूज उसकी लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली एचडीएल जो है इसको बेहतर से बेहतर होना चाहिए, तो फिर अल्टीमेटली आप उसके हवाले से डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. तीसरे नंबर पे वी शुड इंश्योर द डाइट कंटेन्स एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिंस एंड मिनरल्स. तो पहले हमने क्या किया है, हमने उस इंडिविजुअल की प्रोफाइल देख ली है, हेल्थ प्रोफाइल, और उसके बाद हम उसकी हमने पहले सेकंड नंबर पे उसकी डाइट को असेस कर ली है, और फिर हम अब देखेंगे कि उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, वो RDAs के हिसाब से, RDIs के हिसाब से अवेलेबल हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो पूरी मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही, ठीक है. इसके बाद प्रिवेंशन, डिलेइंग एंड ट्रीटिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेशन. तीसरा हमारा जो गोल होना चाहिए वो अगर किसी इंडिविजुअल को मसला है, ठीक है, क्यूरेटिव न्यूट्रिशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर डिलेइंग और एंड ट्रीटिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, ये भी हमारी टास्क होगी कि फर्दर उसका जो इश्यूज है ना वो ज्यादा वर्स ना हो. इम्प्रूविंग
ओवरऑल हेल्थ थ्रू ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, और लास्टली हम उसकी न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि उसकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव कर सके। अच्छा, अब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशन हम करेंगे, डाइटरी काउंसलिंग जो है ना उसके थ्रू ये प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे। अब डाइटरी काउंसलिंग के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं कि जिनके थ्रू हम मॉडिफिकेशन भी कर सकें और क्लाइंट जो है उस मॉडिफिकेशन के ऊपर अमल भी कर सके। सो क्लियरली डाइटरी एडवाइस टेलर्ड टू सूट इंडिविजुअल नीड्स एंड टेस्ट is more appropriate than general dietary advice. So this is well established, especially in case of dietary counseling. We should move our focus towards individualized counseling rather than population level counseling or group counseling. Typical dietary modification have demonstrated limited success, especially regarding weight control. Several methods have been used to induce behavioral change in individuals, such as transthreatical, जिसको हम stages of change का model भी बोलते हैं, और ये examination में बाज़ दफ़ा independently question आ जाता है। Transthreatical model of change, यानी जब हमने किसी individual को कायल करना है कि वो अपनी habits को change करे, modify करे, तो फिर इस theoretical model के अंदर हमें different stages बताई गई हैं। और अगर हम राइटली स्टेज को आइडेंटिफाई कर लें और क्लाइंट उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो हमें बेहतर आउटकम्स जो है वो मिल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड बिहेवियर चेंज मॉडल डेवलप्ड इन रिसेंट इयर्स दैट क्लासिफाइज इंडिविजुअल्स इनटू स्टेजेस अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ रेडीनेस टू कंसिडर चेंज एंड आइडेंटिफाइज द फैक्टर्स दैट कैन इंड्यूस ट्रांजिशन फ्राम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। तो इसकी भाई ये हमारे पास 6 स्टेजेस हैं जो इस मॉडल में बताई गई हैं, और इन स्टेजेस के हिसाब से हमने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस स्टेज पे एग्जिस्ट करता है और फिर वहाँ पे इंटरवीन करके उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है। सो देयर आर 6 स्टेजेस, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, जब हम किसी काम को करना चाह रहे होते हैं तो पहले हम प्रेपरेशन प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हम ये ऐसे ऐसे करेंगे। प्लानिंग के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन वाली फेज आती है, तो उसमें एक प्रेपरेटरी फेज भी होती है, और जब हम प्रेपरेशन कर लेते हैं तो फिर हम वहाँ पे एक्शन उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एक्शन वाली स्टेज कहलाती है। और जब उस काम को आप लंबे अरसे तक करते रहते हैं तो उसको हम मेंटेनेंस वाली फेज कहेंगे, और फिर जब काम हो जाए तो हम कहते हैं भाई अब इसको टर्मिनेट करना चाहिए, इसका एंड होना चाहिए। तो इसी तरह बिहेवियर के अंदर भी हमें ये 6 टाइप की स्टेजेस जो हैं वो मिलती हैं, और किसी भी इंडिविजुअल को जो आपके पास आएगा वो हो सकता है कि अभी प्री कंटेम्पलेशन फेज पे हो तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हो सकता है कि वो एक्शन वाली फेज पे पहुंच चुका है तो फिर आपको कम एफर्ट्स करनी पड़ेंगी उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए। सो पीपल हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशनल नीड्स एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे उसको जो गाइडेंस चाहिए वो डिफरेंट है, एंड हेल्थ एजुकेटर्स कैन ऑफर द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द रिसेप्टेंट्स स्टेज ऑफ चेंज। तो मेन टास्क ये है कि हम राइटली स्टेज को आइडेंटिफाई करें और फिर वहां पे अमल कर सकें। तो फर्स्ट वन इज प्रीकंटेम्पलेशन, और यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशंस भी दे दी हैं, एग्जांपल्स भी साथ दूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, और इसके साथ साथ स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लेट्स के अगर आप इनको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और अपना कोई ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि जो आप समझते हैं कि आपके अंदर ये हैबिट्स जो है वो गलत एग्जिस्ट करती है खाने पीने के हवाले से, तो देन यू कैन अडॉप्ट these stages and these strategies. Pre-contemplation is defined as a stage in which nobody has no intention of taking action within the next 6 months.
यानी बंदा इस स्टेज पे एग्जिस्ट करता है कि आप उससे जब पूछते हैं ना कि भाई ये आप काम करेंगे, तो कम से कम 6 माह का जो ड्यूरेशन है ना उसमें वो आपको वो काम होता नजर ना आ रहा हो, यानी आपको लगेगा कि उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं है कि इस तरह का काम वो करें, ठीक है। इट इज नॉट डैट आई कैन नॉट सी द सोल्यूशन, आई जस्ट कैन नॉट सी द प्रॉब्लम। ये वो स्टेज होती है कि जिसमें इंडिविजुअल्स को अभी वो प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही होती। किसी मसले को हल करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि उसको एक मसला समझा जाए। तो जब तक इंडिविजुअल की इंटेंशन ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है, तो फिर उसका सोल्यूशन उसको कैसे दिया जा सकता है। तो दिस इज द प्री कंटेम्पलेशन फेज, एंड इन दिस केस वी शुड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंज, ठीक है। उसको कन्विंस करना चाहिए कि भाई देयर इज अ नीड फॉर चेंज, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जो नहीं सोच रहे, कम अज कम वो सोचना शुरू कर दे, उसकी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको इंक्रीज करें अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट्स। तो उसकी इंफॉर्मेशन पूल में इजाफा करें कि उसको उस काम के ना करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, और करने की वजह से जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन बेस को स्ट्रांग करें, ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा आपके पास ऐसा आता है कि जो इंटेंड्स टू टेक एक्शन इन द नेक्स्ट 6 मंथ, जो जब आप उससे पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आपको कहता है कि भाई हाँ मैं ये काम ना करने वाला ही हूँ। और कितने अरसे में आप पूछते हैं जी कितने अरसे में करने वाला हूँ, तो वो कहता है बस जी मैं चंद महीनों तक इसको करने वाला, यानी महीनों की बात करते हैं, चंद महीनों की। तो उसको हम कंटेम्पलेशन फेज का नाम देंगे। आई वॉन्ट टू स्टॉप फीलिंग सो स्टक, ठीक है। तो पहले वो डिसीजन नहीं कर पा रहा सिचुएशन के बारे में, प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और कंटेम्पलेशन वो फेज है कि जिसमें वो स्टक कर चुका है, ठीक है, यानी मसले को रियलाइज कर चुका है, लेकिन अब स्टक हो गया कि इसके ऊपर अमल करूं या ना करूं। उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं कि वो उस काम को, उस मसले को हल करना चाहता है। अब इस फेज में उसको उस लेवल से निकालने के लिए काउंसलिंग क्या कर सकते हैं, यू शुड मोटिवेट हिम, इनकरेज मेकिंग स्पेसिफिक प्लान्स, और उसको को 2-3 प्लान्स बना के दें कि भाई प्लान ए बी सी, ताकि वो इंक्लाइंड हो उनकी तरफ और उसको मोटिवेट करें, इनकरेज करें। प्रेपरेशन, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, कि जिसमें ये बंदा जो है ना वो कम से कम रियलाइज कर चुका है प्रॉब्लम को और फिर उस प्रॉब्लम में से निकलना चाहता है। तो अब उसकी अगली फेज पे वो पहुंच चुके हैं। इंटेंड्स टू टेक एक्शन विद इन नेक्स्ट 30 डेज एज हैज टेकन सम बिहेवियर स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। इसमें वो बंदा दिनों की बात करता है कि भाई मैं ना चंद दिनों तक ये काम करने वाला हूँ, ठीक है। आई जस्ट टुक आउट अ मेंबरशिप टू अ फिटनेस फैसिलिटी। तो अगर आपने उसको कहा ना भाई आप एक्सरसाइज किया करो, जिम ज्वाइन करो, तो उसने कम अज कम अभी मेंबरशिप ले ली है, पहला स्टेप। ये पहले दो बंदे कौन से थे कि जिन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो इसने कम अज कम, ये तीसरे नंबर वाला बंदा जो है वो 2 स्टेप आगे जा चुका है और वो फिटनेस क्लब की मेंबरशिप ले चुका है, उनसे बात कर चुका है, आइडेंटिफाई कर चुका है जो उसको कन्वीनियंट जगह पे अवेलेबल है, उसको जो कन्वीनियंट टाइमिंग्स हैं वो उनके साथ एड्रेस कर चुका है, ठीक है। अब इस स्टेज पे वी शुड असिस्ट हिम विद डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंक्रीट एक्शन प्लान्स, हेल्प सेट ग्रेजुअल गोल्स। इसमें आप उसको ना बताएं कि भाई अपना स्टेप बाय स्टेप, आप पहले 2 किलो वजन कम करो 15 दिन में, अगले 15 दिन में आप मजीद जो है ना वो 2-3 किलो वजन कम करो, या अगर उसका वेट उसका कम है तो आप उसको ऐसी स्ट्रेटजीज बताएं, ऐसी फूड्स बताएं जिनके थ्रू वो अपना वेट जो वो अचीव कर सके। तो स्टेप बाय स्टेप उसको बोलें कि भाई ये काम आपने करना है, ठीक है। एक्शन, दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म, has changed behavior for less than 6 months. तो 6 महीने हो गए हैं उसको इस सिचुएशन से गुजरते हुए, यानी आप वो प्रैक्टिकली उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। तो लेस देन 6 मंथ हो तो उसको हम एक्शन बोलेंगे, और अगर 6 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका हो तो फिर हम उसको मेंटेनेंस बोलेंगे। तो आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एंड वाइल आई एंजॉय इट समटाइम्स आई फाइंड इट अ
core. Assist with the feedback, problem solving, social support and reinforcement. तो उसमें still उसको एक तो उससे feedback लेते रहें और दरमियान में अगर कोई problem आती है तो उसका मसला हल करने की कोशिश करें, ठीक है, और उसको implement करने के लिए social support जो है वो भी provide करते रहें. जी, then comes maintenance phase. और maintenance phase में आप उस वक्त ये word use करेंगे या उस individual के लिए word use करेंगे कि जो कम से कम जो है ना वो 6 महीने उसको गुजर चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा अरसा जो है ना वो उसको हो चुका है उस चीज के ऊपर अमल करते हुए. Exercise 3 times a week has become a part of my lifestyle. Assist with coping, reminders, finding alternatives, avoiding slips, relapses as applicable. So maintenance wali phase mein is tarah ke problems aane ke chances ho sakte hain. To usko continuously backup karna, reminders dena, alternates batana aur अगर वो कभी जो है ना वो उन चीजों को अवॉइड करना चाहता है तो उसकी तरफ से उनसे अवॉइड करने में उससे रोकना, तो ये मेंटेनेंस फेज है, ठीक है. और टर्मिनेशन लास्ट फेज इसमें जो नहीं लिखी गई उसमें क्या आता है कि जब आप समझते हैं कि आपने एक चीज को जो आपने सेट गोल किया था ब्रॉडर सेंस में उसको आपने अचीव कर लिया, तो देन इट कैन बी टर्मिनेटेड एंड अगेन वी कैन गो फॉर अनदर चेंज बाय सेटिंग न्यू गोल्स, ठीक है, और फिर ये साइकिल जो है वो दोबारा अपने आप को रिपीट करता रहेगा. मेथड्स फॉर डाइटरी मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इट यूटिलाइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग्स एंड एडवाइसेस एट डिफरेंट स्टेजेस एंड हैज शोन प्रॉमिसिंग सक्सेस इन डाइटरी मॉडिफिकेशन इंटरवेंशंस. इट मे बी इजियर टू इंट्रोड्यूस न्यू बिहेवियर्स देन टू एलिमिनेट एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर्स. ये जनरल प्रिंसिपल ध्यान में रखें कि जो चीजें जिन पे वो अमल कर रहे हैं ना उनको दूर करना, उनसे अवॉइड करना, वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा. लेकिन एक नया बिहेवियर अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो बिल्कुल इफेक्टिव है तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है. ये कैसे है भाई कि बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, खाने पीने पर जोर रखा हुआ था, तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आए. इफ वेट लॉस इज अ कंसर्न, recommending the patient start exercise regularly may be more effective than changing current dietary patterns. So, पहला आपने step क्या किया है कि आपने उसकी dietary modification नहीं की, बल्कि एक नया behavior आपने डाल दिया है कि यार सुबह उठ के जो है ना exercise किया करो. मेरे कहने पे आप 15-20 मिनट 30 मिनट जो है ना वो daily walk किया करो, running किया करो, तो उसका impact उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और फिर आप dietary modification की तरफ भी जा सकते हैं. पॉजिटिव फीडबैक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर रिवार्ड सिस्टम मे बी एडवांटेजियस इन हेल्पिंग सम पेशेंट्स फॉलो द डाइटरी एडवाइस. तो पॉजिटिव फीडबैक भाई, और बाज दफा ये हमारे अंदर भी नेगेटिविटी होती है कि हम फॉरन चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो अगर उसने 3 चीजें ठीक की हैं, एक चीज उसने अभी उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर भी इनकरेजिंग एस्पेक्ट क्या बनता है कि आप उसको एप्रिशिएट करें. और रिवार्ड सिस्टम भी कई तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं. इन जनरल चेंजिंग हैबिट्स सच एज मेकिंग अ हेल्दियर फूड चॉइसेस एंड इंक्रीजिंग एक्सरसाइज विल बी मच मोर सक्सेसफुल एंड प्लेयरेबल इन द लॉन्ग टर्म देन डाइटिंग. तो सिंपली डाइटिंग करने की निस्बत बेहतर है कि डाइटिंग भी की जाए और साथ एक्सरसाइज भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म होगा. फर्दर मोर एन इंडिविजुअल कैन नॉट लिव ऑन अ डाइट परमानेंटली, देयरफॉर व्हेन फूड इनटेक इंक्रीजेस वेट गेन विल फॉलो
unless energy expenditures is increased through exercise or by other means. तो फूड इनटेक जो है ना वो जैसे ही वो बंदा जो बातें आपने उससे की हैं उस पर अमल करना छोड़ता है तो उसका वेट गेन होने के दोबारा चांसेस हैं और उसको रोकने के लिए क्या है कि उसकी जो एक्सेसिव कैलोरीज उसकी बॉडी में जा रही हैं उनको किसी तरीके से जाया किया जाए थ्रू दी एक्सरसाइज और सम अदर मीन्स. डाइटिंग में इनकरेज अ यो-यो थिंग दैट रिपीटेडली फॉल्स एंड राइजेस. यो-यो भी एक मेथड बोला जाता है ठीक है जिसमें कोई चीज जो है वो हाइट पे भी जाती है और फिर उतनी जो है वो डेप्थ पे भी जाती है. वेट लॉस वेट गेन वेयर ऑफन इवन मोर वेट इज गेन्ड बैक देन वाज लॉस्ट एंड ऑफन इज लेस फेवरेबल प्रोपोर्शन ऑफ अ फैट टू मसल्स रेशियो. तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो डाइटिंग करके अपना वेट तो कम कर लेंगे लेकिन कुछ अरसे बाद जैसे ही वो डाइटिंग को दोबारा छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली फिर उनका वेट जो है वो बल्कि कंपैरेटिवली ज्यादा गेन होगा ठीक है. और उसमें फिर इवन प्रोपोर्शन ऑफ मसल टू फैट रेशियो जो है वो भी डिस्टर्ब होगी. व्हेन वेट इज लॉस्ट मसल्स एंड फैट्स आर बोथ लॉस्ट ठीक है. लेकिन जब वेट गेन करेंगे व्हेन द वेट इज गेन्ड फैट विल बी गेन्ड रादर देन मसल्स. और मसल्स कैसे हम गेन कर सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे. समटाइम्स द वेट दैट इज गेन्ड दैट इज रीगेन्ड आफ्टर वेट लॉस हैज अ हायर कंटेंट ऑफ फैट स्पेशली इन द एडिपोज टिश्यूज दैट द वेट प्रीवियसली लॉस्ट व्हिच मे हैव कंटेन्ड अ सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ skeletal muscles. This is only one of the reason why exercise is so important in maintaining body weight. In fact, because muscles are metabolically more active tissues, the body actually needs more energy or calories to feed the muscles even when they are at rest. For example, you are sitting still or sleeping. So dietary counseling may help reinforce dietary modifications and assist in achieving permanent weight control. There are some other resources available which can be used as a reference material or for self-counseling of individuals as well. The Dietary Guidelines for Americans published by the US Department of Agriculture and Health. And so the latest version is published for 2020. And luckily, we also have the dietary guidelines of Pakistani population right now. These were published in 2018. Inko kam se kam ek baar go through zaroor karein. Especially jaise hi aap practice mein aayenge as a dietitian, to in documents ko aapne ye kyunki update hote rehte hain kuch arse ke baad, to ek aapne aadat rakhni hai bana ke ki jab bhi koi nutrition related koi document market mein aaye. उसको लॉन्च किया जाए तो फिर आप उसको जरूर विजुअलाइज किया करें गो थ्रू किया करें ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें. इसके अलावा फूड डाइट पायरामिड भाई इसको बड़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं. फिर ये माई पायरामिड बनी थी और लेटेस्ट जो वो माई प्लेट अवेलेबल है. तो ये तीनों जो ऑप्शन है ना ये बड़ा अच्छा वर्क करते हैं और फूड की सिलेक्शन में और राइट अमाउंट में सिलेक्शन करने में ये हमें हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज बेसिकली अ स्टेप वन डाइट दैट मे बी फॉलो टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग वेट. ओवरऑल ओनली रजिस्टर्ड डाइटिशियन इफ वी लुक इनटू द हेल्थ केयर टीम व्हिच इंक्लूड्स द नर्सेस डॉक्टर्स डाइटिशियंस एटसेट्रा. In general, only registered dietitians have sufficient training and knowledge to accurately assess the nutritional adequacy of a patient's diet. A doctor may also have a nutrition background or specialization and may thus be able to provide general nutrition counseling. So, कुछ doctors ऐसे होते हैं कि भाई वो बाद में nutrition related भी कुछ degree programs या diplomas जो हैं वो करते हैं और इस सेंस में फिर उनकी डाइटरी एडवाइसेस जो है वो भी बेहतर हो जाती हैं. लेकिन मोस्टली जो है ना ये टास्क रजिस्टर्ड डाइटिशियन ने करनी होती है. सो डाइटरी
counselor basically a registered dietitian, or you can say the specialized form of dietary registered dietitian. Most doctors did not refer their patients to the dietitians. Ye drawback abhi doctors ko har bande ko recognize karna chahiye health professional team ke andar, healthcare team ke andar har individual ki ek apni khas position. To usko जो चीज उसकी समझ में ना आए और जो रेलेवेंट पर्सन है उसकी तरफ उसको डायरेक्ट करना चाहिए. तो डाइटरी एडवाइसेस के लिए डॉक्टर्स को चाहिए कि वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन की तरफ रेफर करें. और रजिस्टर्ड डाइटिशियन को जब भी कभी कोई मेडिकेशन अगर वो समझता है कि इसको जरूरत है इंडिविजुअल को क्यूरेटिव साइड के लिए या ज्यादा बेहतर रिजल्ट अचीव करने के लिए, तो उसको डॉक्टर्स के बारे में रेफर करना चाहिए. तो अगर रेफरल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा बिटवीन दी हेल्थ केयर टीम, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स जो हमको अचीव किया जा सकता है. मेजर बैरियर्स टू इम्प्रूव डाइटरी काउंसलिंग फॉर पेशेंट्स इंक्लूड शॉर्ट विजिट टाइम्स, यानी थोड़ी देर के लिए आना नंबर वन, काउंसलिंग के लिए जाना, सेशन ज्यादा चाहिए, टाइमिंग ज्यादा चाहिए. नंबर टू, लिमिटेड न्यूट्रिशन कोर्स वर्क इन मेडिकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी ज्यादातर इस वक्त हेल्थ केयर टीम जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर फोकस हो रही होती है, रिलाय कर रही होती है. तो उनका जो क्यूरिकुलम है उसके अंदर न्यूट्रिशन रिलेटेड कोर्सेज जो है वो कम एग्जिस्ट करते हैं. और इसके बाद क्लाइंट का अपना भी फैक्टर आ जाता है, पुअर कंप्लायंस, ठीक है, विद फिजिशियंस डाइटरी प्रेस्क्रिप्शन या विद डाइटरी काउंसलर्स प्रेस्क्रिप्शन. तो कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है वो बातों पे इतना अमल नहीं करता, ठीक है. नटशेल में हम कह सकते हैं अभी समरी के तौर पे कि आपकी काउंसलिंग स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतनी जितनी आपकी कन्विंसिंग पावर बेहतर होगी, जितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा या आपकी एविडेंसेस जो है वो बेहतर होंगे सिस्टम्स के हवाले से, उतना ही ज्यादा जो है ना वो इंडिविजुअल जो है उसकी हेल्थ को आप ऑप्टिमाइज करने में, डिजीज को प्रिवेंट करने में और उसको क्योर करने में आप अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं.